हाय दोस्तों, हम में से हर एक ने कभी ना कभी तो एयर ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस तो लिया ही होगा। और इसी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं इसमें हो रहे कुछ न्यू इनोवेशंस के बारे में। अधिकांश एयरलाइन की सीटें 1970 के बाद से नहीं बदली है। इकोनॉमी क्लास की सभी सीटों में से 99% सीट सीधी और सोने के लिए इम्पॉसिबल है। वे लंबे समय तक अननेचुरल पोस्चर में बैठने के लिए मजबूर करते हैं और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तक कमर्शियल एयरलाइंस पर कंफर्ट और प्राइवेसी का कोई इंतजाम नहीं था। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्लास की सीट्स पैसेंजर्स को अननेचुरली रूप से अपराइट पोजिशन में तंग जगह में घंटों तक बैठने के लिए मजबूर करती है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मानना है कि एयर ट्रैवलर्स की काउंट 2037 तक डबल हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन लोगों तक। यह अनुमान लगाया गया है कि पैसेंजर्स के लिए बेस्ट सर्विस और कंफर्ट की पेशकश करने के लिए कॉम्पिटिशन करते हुए अधिक पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए एयरलाइंस नए सीटिंग के सॉल्यूशन में $20 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। बिजनेस क्लास बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सीट अपग्रेडेशन करना ये इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट के लिए और एक्स्ट्रा पे कर सकने वाले ट्रैवलर्स के लिए प्रीमियम इकोनॉमी सीटिंग क्लास कुछ कंफर्ट तक सीट्स प्रोवाइड करती है, जो स्लीपिंग बेड या फिर बंक बेड फीचर के बिना केवल कुछ एक्स्ट्रा इंच लेग स्पेस दे सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस के बस ट्रैवल के दौरान दिए हुए स्लीपिंग बेड को याद करते हुए मिस्टर ओनील उसी तरीके के स्लीपिंग बेड को एयर ट्रैवलिंग में लाना चाहते थे, क्योंकि ये आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब उनको कई साल पहले न्यूयॉर्क से सिंगापुर जाते समय पूरी रात बिना सोए बितानी पड़ी थी। और इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मिस्टर ओनील ने जेफर एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया और उसी के अंदर एक नई सेटिंग कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया। जेफर एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ मिस्टर ओनील की सीट सबसे अलग और यूनिक है। इसकी स्पेशलिटी है इसकी बंक बेड जैसी अरेंजमेंट, जो पैसेंजर को न केवल एक दूसरे से दूरी बनाए रखती है, बल्कि अगर वे सोने की कोशिश कर रहे हैं तो लेटने में यूजफुल भी है। जेफर एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि अगर पैसेंजर्स को प्राइवेसी की आवश्यकता होगी या वे सोने के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहेंगे तो उनकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी हो सकती है। यह न केवल पैसेंजर्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा, बल्कि उन्हें लेटने और सोने के लिए जगह भी देगा। जब उन लंबी उड़ानों की बात आती है तो यह एक वैल्यूएबल एमिनिटी है। जितना लोग कल्पना कर सकते हैं यह सीट उतना ऊंचा नहीं है। यह लोअर सीट से अपर सीट तक ग्राउंड लेवल से केवल 4.5 फीट ऊंचा है। प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में कंफर्ट बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया जेफर एरोस्पेस का सीट लेआउट हर एक पैसेंजर को अलग अलग कंपार्टमेंट में फ्लैट लेटने या अपने पैरों को पूरी तरह से फैलाकर सीधे बैठने की फैसिलिटी देता है। जेफर एक परफेक्ट सीट अपग्रेड है, जो उन पैसेंजर्स के लिए गैप को भरता है जो कंफर्ट को सबसे अधिक महत्व देते हैं और बिजनेस क्लास के लिए अधिक प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं। ये नया डिज़ाइन पैसेंजर्स को मल्टीफंक्शनल तरीके से यूज करने की परमिशन देता है, जैसे कि पूरी तरह से फ्लैट लेटना, आराम करना या अपने पैरों को पूरी तरह से एक्सटेंड करने के साथ सीधे बैठने के लिए भी। इंटेलिजेंट एरोस्पेस ने बताया कि ये नई सीटें लिमिटेड मूवेबल फिक्स्चर के साथ बनाई गई है और हाईएस्ट स्टैंडर्ड लाइटवेट कंपोजिट मटेरियल के साथ तैयार की गई है, जो एयरलाइन के लिए डायरेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करती है। ऊपर की सीटों में टेलीस्कोपिक लैडर होगा, जिससे पैसेंजर्स आसानी से चढ़ सकते हैं। हर एक सीट में अधिक पर्सनल स्पेस और स्लीपिंग पोजीशन देने के लिए एक ड्रॉप डाउन फुटवेल भी होगा,
जो किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी खबर है। माता पिता और छोटे बच्चों के लिए एक साथ लेटने के लिए यह जगह काफ़ी बड़ी है। एयरलाइंस इस फ्लाइट मील, सीट कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस जैसे चार्जेस को एक साथ करके हाई फेयर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए एक स्टडी में 70% ट्रैवलर्स इन चार्जेस का यूज केवल पैर लंबे करके कंफर्ट के साथ बैठने के लिए और सोने के लिए भी कर सकते हैं। यह आइडिया अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है और डेल्टा सहित 4 मेजर एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कोई कंफर्म कमिटमेंट्स नहीं हुई है, भले ही आप तुरंत जेफर सीट को बोर्ड पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज इसे नेसेसरी सेफ्टी टेस्ट को पास करना होगा जो 3 साल तक चल सकता है। प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर्स के लिए यह एक मेजर अट्रैक्शन है, क्योंकि यह बिजनेस क्लास की तुलना में कम एक्सपेंसिव और इकोनॉमिक क्लास की तुलना में अधिक आरामदायक है। इससे एयर ट्रैवल की रेट बढ़ी हुई है, क्योंकि पैसेंजर्स मिनिमम कॉस्ट के साथ आराम से उड़ान भरना चाहते हैं। जेफर आने वाले साल में एक मेजर एयरलाइन के साथ एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर साइन करना चाहता है, ताकि एयरप्लेन के कंफर्ट के नेक्स्ट लेवल को शुरू किया जा सके। एयरलाइंस के लिए रेवेन्यू और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हुए उनका डिज़ाइन पैसेंजर्स को अनबिलीवेबल कंफर्ट प्रोवाइड करता है। वो एयर ट्रैवल के फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे हैं। जेफर एरोस्पेस एयर ट्रैवल की दुनिया में ग्रेट डेवलपमेंट करने के लिए कमिटेड है। जेफर का मानना है कि सभी सीटिंग कैटेगरीज में सभी एयरलाइन में उनके रिवॉल्यूशनरी डिज़ाइन को एडॉप्ट करना चाहिए। जेफर सीट एयरलाइन को एक कस्टमर सेगमेंट के लिए अपनी पेशकश में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलाउ करता है, जो एनुअल टिकट सेल का 81% हिस्सा है। जेफर सीट का डिज़ाइन यात्रियों को मल्टी फंक्शनलिटी अलाउ करता है। एक इनोवेटिव सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके हर एक जेफर सीट को सीटिंग डेंसिटी के नुकसान के बिना एयरलाइन के मौजूदा रियल इस्टेट में फिर से लगाया जा सकता है। इसका सिंपल आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म डिफरेंट एयरलाइंस के लिए कस्टमाइजेशन अलाउ करता है। उन्हें मार्केट, ऑपरेशनल रियलिटीज, कल्चरल बारीकियों और ब्रांडिंग के आधार पर सीट के अपने वर्जन्स को तैयार करने में कैपेबल बनाता है। जेफर सीट पैसेंजर्स को अपने पैरों को फैलाने, आराम करने या लेटने के लिए अलाउ करता है। मौजूदा सीट और ओवरहेड लॉकर के बीच की जगह का उपयोग करके 2 सीट को एक के ऊपर एक इस तरीके से एकोमोडेट कर दिया जाता है। जेफर कमर्शियल एयरलाइंस और डायरेक्टली प्राइवेट एयरक्राफ्ट के कंज्यूमर को सीट बेचता है। हर एक सीट की कीमत $30,000 to $40,000 पर यूनिट हो सकती है, जो एक बिजनेस क्लास की सीट की एवरेज कॉस्ट से 60% कम है और 80% लाइटर भी है। वॉल्यूम के आधार पर 30% to 40% के बीच ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेट कर सकते हैं। जेफर सीट को ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी तरीके, मतलब एयरवेज, रेलवेज, बस या फिर मिलिट्री में कॉन्फिगर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जेफर कमर्शियल एयरलाइंस पर फोकस कर रहे हैं, जहां पे वो इनोवेशन की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना अभी भी बाकी है तो वो करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।